हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन माइनर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे रिगार्डिंग S19K Pro 120 टेरा हैश, और एक बात करेंगे X5 द मोनेरो माइनर, और ऑब्वियसली एक डिस्कशन और है जो कि बहुत बढ़िया है, द न्यू लॉन्चेस ऑफ बाय बिटमैन S21 सीरीज, जो कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अनाउंस तो वैसे भी न्यूज़ पहले भी आ गई थी, बट ऑफिशियली चीज़ें नहीं आई थी सामने। सो दैट वन इज़ अ वेरी गुड डिस्कशन, S21 Pro। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वन टू वन डिस्कशन करेंगे ऑल द माइनर्स, बिकॉज वी आर इंडियंस और इंडियंस के पास भी सारी न्यूज़ होनी चाहिए, और बहुत बड़े बड़े माइनर यहाँ ऑब्वियसली पहले से ही हैं, तो कोई भी नया माइनर छूटेगा नहीं। तो अब आ गए हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द XMR माइनर X5, द रैंडम एक्स। XMR माइनर जो कि अभी लॉन्च किया है सितंबर 23 पे बिटमैन ने, अभी इसमें इस वेबसाइट पे इस ये अप्रूव मतलब कि अपडेट नहीं आया है कि क्या पेमेंट है, क्या इसका प्राइस है, बट इनके ऑफिशियली एक्स हैंडल बोल सकते हैं आप, ट्विटर तो नहीं रहा, तो एक्स हैंडल पे इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसका क्या प्राइस रहेगा, तो वहाँ पे भी जाएंगे। 212 किलो हैश का है ये, एंड 1350 वॉट लेता है, ठीक है, 6.37 जूल्स किलो वाट है, और स्पेसिफिकेशन इसमें दिया हुआ है 212, ये सब आपको मैंने अनबीटेबल हैश रेट बोल रहे हैं बिटमैन, और सरपैसिंग सर्वर इन एनर्जी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड साइज फॉर इजी रेजोल्यूशन, वही है सारी माइनर की जो डिज़ाइन है वो लगभग सबका सेम ही रहता है, ठीक है। रैंडम एक्स XMR मोनेरो आपको पता ही होगा, जब GPU माइनिंग वगैरह चल रहा था तो CPU माइनिंग भी बहुत लोग कर रहे थे, और शायद हो सकता है कि आज भी माइनिंग कर रहे हो CPU माइनिंग, तो मोनेरो एक ऐसा पॉइंट था कि जो सिर्फ CPU से माइन हो सकता था, ठीक है, जो एक्चुअली में CPU से माइन हो सकता था, तो उसके लिए बड़े बड़े CPU और बहुत अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट लगा के हम लोग बैठते थे और माइनिंग करते थे। बट राइट नाउ क्या है कि बिटमैन ने उसका माइनर ASIC माइनर निकाल दिया, तो अभी इसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो अभी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आते हैं, बिटमैन ने जो अगला माइनर अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया था, जो कि अभी स्पॉट स्टॉक में भी आ गया है, बिटमैन में आपको मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हो, तो ये है S19K Pro 120 टेरा हैश में, $21 पर टेरा हैश इसका प्राइस है, आफ्टर कूपन बोल रहे हैं कि $1764 का ये पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर कूपन प्राइस या ओरिजिनल प्राइस 70%, ठीक है, तो इसको हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, आपको इसमें अपना रजिस्टर करना पड़ेगा बिटमैन में अपना अकाउंट, और अपनी KYC वगैरह करवा के तब आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या देगा, 2760 वॉट, 2760 वॉट में 120 टेरा हैश देगा। एक बार प्रॉफिटेबिलिटी चेकर में चलते हैं, यहाँ चेक करते हैं प्राइस, अभी करंट प्राइस दिखा रहा है, फुल चार्जेस इतना ले लेते हैं, 120 टेरा हैश, हैश रेट ले लेते हैं, और 2730 आई थिंक बोल रहा था, 2760, ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, डेली $7 देगा, इलेक्ट्रिसिटी $5 ही लेगा, $5.30 की, और प्रॉफिट जो देगा वो $1.89, कंप्लीटली $2 भी नहीं है,
लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी जो लगाई है वो 6 रुपए से लगाई है। ठीक है, एक काम करते हैं, अपने लोगों के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली जो ऊपर दिखा रहा था वही नीचे दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो 7.90 डॉलर 19 सेंट्स जो है ये हमें पर डे देगा, 215 डॉलर पर मंथ। ठीक है, तो ये है इसका। तो एक बार आप मनेरो को देख लेते हैं। ठीक है, XMR में गया, 141 डॉलर इसका कॉइन प्राइस है। ठीक है, इसको ले लेते हैं 8 डॉलर से। हैश रेट है 212 और हैश सोल में है, तो यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं 0 और। एंड द पावर कंजप्शन क्या है इसका, 1350 वाट। तो 1350 वाट कैलकुलेट, ठीक है, 4 डॉलर पर डे देगा एंड 121.64 डॉलर देगा ये हमें मंथली में। तो ये इसका प्रॉफिट रहेगा। और अगर हम अपने हिसाब से देखेंगे तो 6.65 डॉलर डेली हमें ये देगा। ठीक है, तो अभी हमने बात करी S19K Pro एंड S9X5 की। X5 का प्राइस क्या रहने वाला है? बिटमैन के ऑफिशियल एक्स हैंडल में जो लास्ट अपडेट आया है, आपका कितनी देर पहले आया है, ये 2 घंटे पहले। ठीक है, 2 घंटे पहले आया है और द प्राइस अनाउंस कर दिया है इन्होंने 2.2999 डॉलर। सेल स्टार्ट 4th सितंबर, कल 10 बजे से ईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग सेल स्टार्ट हो जाएगी और द शिपिंग डेट रहेगी 10th ऑफ सितंबर। ठीक है, सी दैट। सेल स्टार्ट हो जाएगी कल से और प्राइस है 2999 डॉलर। अब हम यहाँ आ जाते हैं और इसको डालते हैं 2999 एंड देन कैलकुलेट। हो भगवान, 752 दिन में आपको पैसा मिलेगा वापस, यानी कि डिवाइड बाय 12 2 साल में। ROI कंप्लीट होगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देते हैं तो क्या रहता है, 456 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 12 1.2, लगभग 1.25 साल में आपका ये पूरा हो जाएगा ROI। तो ये था XMR कॉइन के लिए जो X5 लॉन्च किया है बिटमैन ने, ये डिस्कशन था उसके रिगार्डिंग। एंड ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं S19K Pro के बारे में। अब लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग द S21, वो क्या रहने वाला है, कुछ लोगों ने क्या दिखाया है ऑनलाइन, तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। कुछ लोगों ने तो उसको सेल करने का भी शुरू कर दिया है और पता नहीं कुछ किस हिसाब से उसकी पिक्चर डाली है कुछ वेबसाइट्स ने, तो मैं तो समझ नहीं पाया हूँ। शायद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ तो आप लोग शायद समझ पाओ। तो एक बार आप देख लेना और अगर आपको लगे कि हाँ ये रियल है तो मुझे भी एक बार प्लीज कमेंट में पिंग करना कि यार ये भाई रियल है, बट आई डोंट नो कि वो रियल है या नहीं है। तो बिटमैन ने जो अभी किया है, बिटमैन ने जो अभी इसकी लॉन्चिंग डेट बताई है उसकी तरफ चलते हैं और बात करते हैं उसके लिए। तो बिटमैन बोलता है, बिटमैन इज होस्टिंग द वर्ल्ड डिजिटल माइनिंग समिट 2023 एंड लॉन्चिंग द वर्ल्ड फर्स्ट 1x जूल्स टेराहैश बिटकॉइन माइनर माइनिंग फॉर द बुल मार्केट। ओके,
World Digital Mining Summit 2023. The launch date is 22-23 September. Okay, the S21 series. तो इसमें ये रहने वाला क्या है और ये क्या मतलब चल रहा है, इसमें क्या देगा? अभी मैं पहले इसकी बात करते हैं. यहाँ ये बंदा बोल रहा है, इसने फोटो भी दिखाई है, कुछ ये ऐसा दिखने वाला है. पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे तो ये लग रहा नहीं रहा. मुझे तो ये कि एक डीजी टाइप का लग रहा है, ये डीजी सेट बोलते हैं ना, उस टाइप का लग रहा है. अब पता नहीं ये एक्चुअल में रियल है नहीं है. जैसे देखो डीजी में यहाँ पे होते हैं ना, ये रेड रेड से बटन कि चल रहा है नहीं चल रहा, उस टाइप से दिख रहा है. एंड S19 ही रटा हुआ है अभी तक, 19 ही चल रहा है. 21 बाद में रटेगा जब 21 आ जाएगा, अभी आया नहीं है. ठीक है, तो अंट माइनर, अभी अंट माइनर की वेबसाइट का लोगो वगैरह सब ले रखा है. अंट माइनर tech.com करके है, पता नहीं रियल है नहीं रियल है, आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता. इस वेबसाइट पे मैंने कभी विजिट नहीं किया, मैं जब इस जस्ट इसके बारे में सर्च कर रहा था तो ये आ गया. तो हर किसी का ज्ञान पूरा नहीं होता, तो शायद आप लोगों को पता हो तो मुझे भी बताना. ठीक है, तो इसमें क्या है कि अंट माइनर S21 प्रो बिटकॉइन माइनर 250 टेरा हैश फॉर बिटकॉइन माइनिंग $7,000 ब्रांड एंड अंट माइनर S21 प्रो मॉडल 250 टेरा हैश 3500 वॉट पे 250 टेरा हैश. यार इसने तो XP हाइड्रो सबकी धज्जियां उड़ा दी. पता नहीं किस हिसाब से, कुछ अभी इसकी डिटेल्स वगैरह कुछ बाहर नहीं आई हैं. ठीक है, 5 NM चिप्स हैं. अब यहाँ पे इसने कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल दी है. द अल्ट माइनर S19 प्रो इज अ प्रो वर्जन S21 प्रो इज अ प्रो वर्जन ऑफ अल्ट माइनर S21 इनोवेटिव बिटकॉइन माइनिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय बिटमैन. ठीक है, द अंट माइनर S21 प्रो हैज अ हैश रेट टू अप ऑफ अप टू 250 टेरा हैश पर सेकेंड एंड कंज्यूम जस्ट 3550 वॉट ऑफ पावर. बिटकॉइन लॉन्च द S21 सीरीज विद एडवांस 5 NM चिप्स विच कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी अप टू 40% कंपेयर ऑफ द प्रीवियस S19 मॉडल. And for S21 Pro, it's reached 14.2 joules per hash. ठीक है, तो ये इसने पूरी स्पेसिफिकेशन दी है यहाँ पे. आप इस वेबसाइट को जाकर के विजिट करके आप चेक कर सकते हो, लेकिन इसको हम एक बार आप चेक करेंगे BTC और अपनी जो वो दिखाएंगे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइस और 250 टेरा हैश इसको ले लेंगे, इसकी पावर कंजप्शन हैश रेट और पावर कंजप्शन डालते हैं 350 और कैलकुलेट करते हैं इसको. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो डेली इनकम ये दे रहा है वो $14.92 पर डे देगा इलेक्ट्रिसिटी 6.82 को ख़त्म करने के बाद. $8 का प्रॉफिट देगा पर डे, $8. अगर ये बोल रहे हैं कि ये $7,000 का है, ठीक है, तो इसकी ROI कैलकुलेट करते हैं कब तक आएगी. कैलकुलेट 880 डेज, 880 डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाई 12, ऑलमोस्ट 2.5 साल में. कोई ऐसा माइनर नहीं है जिसकी 5-6 महीने में ROI पूरी आ जाए. एक माइनर आया था ना यार, वो क्या बोलते हैं अपना, ये जिसकी लास्ट वीडियो हमने डाली थी, लाइव में भी आए थे, आइस रिवर, ये कास्पा माइनर. क्या माइनर था यार भाई, जब प्रॉफिट देना शुरू किया था ना स्टार्टिंग में $29, भाई साहब 100
हैश पे, और क्या कहते हैं, क्या था वो, पावर कंजप्शन 65 वॉट, लाइक CFL बल्ब भाई। धीरे धीरे $3 में आ गया है। लेकिन यस, बिटकॉइन इज वेरी नाइस, यू नो, कि बिटकॉइन में क्या होता है कि हमको पता है कि कहीं नहीं जाने वाला है, बिटकॉइन बिटकॉइन है, तो माइनर देगा ही देगा कुछ ना कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। बट मनेरो ने तो, कास्पा ने तो पूरी कहानी खराब कर रखी है। तो कास्पा लेना, कास्पा माइनर लेना बहुत डेंजरस है, गैम्बलिंग है, जिसको गैम्बलिंग का शौक है वो ले लो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी अपना S21 जो अपना लॉन्च होने वाला है बिटमैन की तरफ से, उसके लिए। तो देखते हैं अब इसका क्या रहता है, और वेट कर रहे हैं बुल मार्केट का, सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो क्या रहेगा आगे जाके। ये हमें लेना नहीं चाहिए, तो मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखा दी है तीनों माइनरों की, कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ROI बैक आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने पे, मतलब है सब टाइम किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी फ्री भी है, लाइक क्योंकि समवन की उनके जो फैमिली में से है जो जॉब कर रहे हैं, या वो खुद जॉब कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, तो ठीक है, उनका गवर्नमेंट से रहता है फ्री, आई नो दैट, सभी को पता है मैक्सिमम, तो शायद वो उनको उनके लिए बेनिफिट हो। बट हम जैसे जिनकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं है, तो उनके लिए उनको सोचना पड़ेगा, तो इसलिए ये सारी कैलकुलेशन है। तो आप इसको ध्यान से देखो, समझो, और उसके बाद अपना डिसीजन लो, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियो समझ में आए तो, और मुझे कमेंट में लिख के देना कि मैं आपको किस बारे में माइनिंग की नॉलेज चाहिए, या क्या माइनिंग की माइनिंग के बारे में क्या नॉलेज चाहिए, या आप माइनिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो गाइस, बाहर के देशों में ना माइनिंग दबा के हो रही है, दबा के माइनिंग करते ही रहते हैं, और गजब गजब तरीके से माइनिंग करते हैं, आप लोग सब यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। तो अपने लोग इंडियंस हैं, अपने लोग भी पीछे नहीं छूटने चाहिए, और माइनिंग करना है, सो कीप माइनिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।